सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे दो कदम आगे हैं। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। आज का पंचांग 21 मार्च 2020, दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 7:56 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र शाम 7:40 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:08 से 10:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:44 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 6:20 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 21 मार्च 2020, दिन शनिवार, किसी खरीदारी या बिक्री के बारे में कोई बड़ा निर्णय आपके दिमाग में है। पहले अपने परिवार से सलाह लें। व्यापारिक बैठक में आपको आवश्यकता हो सकती है क्योंकि कुछ मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए अभी से सावधान रहें। आज के दिन की शुरुआत शांति से होगी। गुप्त बैठकों, अज्ञात गठबंधन और शांतिपूर्ण बातों की भी संभावना है। गतिविधियों और सामाजिकरण के बावजूद आपका मूड बिगड़ा हुआ रह सकता है। गाड़ी धीरे चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। ध्यान रहे कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोने से कम नहीं है। अपने आप को शांत रखें, इससे आप अलग ही आनंद का अनुभव करेंगे। आप सही व्यक्ति से बातचीत करके अपनी बोरियत को दूर कर सकते हैं। रिश्तों में विश्वास आपके मूड को अच्छा रखेंगे, इसलिए सभी को खुश रखने का पूरा प्रयास करें। आप अभी बिना अधिक सोचे या परेशान हुए कुछ खास करना चाहते हैं। अच्छा, आपके लिए चुनौतियाँ कुछ ज्यादा हो सकती है लेकिन आपका साहस भी काफी ऊंचा रहने वाला है। इसके चलते आप बिना किसी ज्यादा परेशानी के परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। संभावना है कि कुछ परिस्थितियों से आप थोड़े विचलित भी रहें। सावधानियाँ, ऑफिस में तनाव के बोझ के चलते आपको थकान हो सकती है। यदि आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो उन लोगों के पास जाएं जो आपको पसंद करते हैं। आज जो चाहते हैं उस बात का ध्यान रखें और उसे शेयर करें व उससे बचें जो आपका नहीं है। लव लाइफ की बात करें तो पति पत्नी या अपने लिव इन पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है लेकिन इसको बेहतरीन बनाने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करने चाहिए। समय समय पर प्यार का इजहार करना आपके रिश्तों को एक फूल की तरह खिला देगा। अभी कानूनी समझौते या ट्राई अब आपके पक्ष में है। इतने दिन व्यस्त रहने के बाद अब आप शांति चाहेंगे। यह अवधि आप दोनों को और भी नजदीक ले आएगी क्योंकि शांति प्यार की ही भाषा है। आपका साथी समय और निकटता की मांग कर सकता है। करियर की बात करे तो आज का दिन आपका कार्य योजना या बैठक आदि में व्यतीत होगा। चीजों को हल्के में ले क्योंकि आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। आप शांत जीवन और प्रियजनों की खुशियां चाहते हैं, बस अपना ख्याल रखना ना भूलें। आप अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। अधिक बात करने व बहस से बचें और सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करें। अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सेहत की बात करें तो आज तनाव कम होने के कारण आप अच्छा महसूस करेंगे।
आप स्वास्थ्य की तरफ सकारात्मक व्यवहार रखती हैं और आपकी जीवन शैली भी ठीक रहेगी। कुल मिलाकर आप अच्छा महसूस करेंगे। आप जिम जाना शुरू करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। आज का उपाय, आज आप काली चींटियों को शक्कर का दाना डालें। आज आप शनि भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।